हेलो एवरीवन, आई एम गामी सफीरा। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, चैप्टर 3। आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। लेसन नंबर 2, पार्ट 2। तो कल हमने सुबह पाठ का पार्ट 1 देखा था। उसमें क्या था कि सुबह सुबह सब लोग घर की साफ सफाई में व्यस्त थे और सब सामान झाड़ रहे थे। तो रेशमा ने क्या किया, बहुत उत्सुकता से पूछा कि भी मम्मा आज क्या है कि सब लोग इतने सारे बिजी है काम में। तो मम्मा ने बताया कि क्या है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, इसीलिए घर की साफ सफाई हो रही है। तो रेशमा ने क्या किया, रेशमा ने भी नहा धोकर फिर मम्मा की हेल्प करने लगी। तो वो क्या हेल्प कर रही थी, रसोई घर में जाकर सब डिब्बे पर क्या कर रही थी, स्टिकर चिपका कर वो मम्मा को दे रही थी और मम्मा उसको सजा धजा कर रसोई घर में रख रही थी, है ना। और हमने देखा था कि रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे और उसे बहुत तेज बुखार हुआ। तो उसे क्या हुआ, घुटनों के नीचे दोनों जो पाँव होते हैं वो एकदम बेजान हो गए और बहुत इलाज किया। बाद में रेशमा के पाँव में कोई जान नहीं आई और उसे पोलियो हो गया था। तो रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, तो उसने शुरू में तो सबकी हेल्प लेते थे, मगर क्या जब वो 11 साल के हुए तब से वो उनके सारे काम स्वयं करने लगे और उसी तरह से वो सारा अपना घर का काम और वो सबकी हेल्प करती थी। तो कल हमने देखा था कि क्या हुआ कि अभी सब काम में तो व्यस्त है, मगर अभी बाज़ार में जाना है तो घर में कोई है नहीं। पापा कहाँ गए हैं, ऑफिस गए हैं और दादा दादी तो नहीं जा सकते और छोटू भी नहीं जा सकता। तो रेशमा मम्मा को बोलती है कि मम्मा मैं क्या करूँगी, मैं खुद बाज़ार जाऊँगी, है ना। यहाँ तक हमने कल देखा था, आज हम आगे का चैप्टर देखेंगे। मम्मा ने बोला तुम ले आओगी अकेली, माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी, रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौट आई। दिवाली आ गई, रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा और पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है। इस दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे, इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। क्या किया, रेशमा ने बाजार से सामान भी ले आई और दिवाली का त्यौहार आ गया। तो दीपावली के त्यौहार में तो कैसे सारा मोहल्ला झिलमिलाने लगता है ना, उसी तरह से बहुत प्रकाश से भर जाता है। तो उसी तरह से मोहल्ला बहुत अच्छी तरह से झिलमिला रहा था और दादी जी क्या कर रहे थे, दीपावली के बारे में बच्चों को समझा रहे थे कि दीपावली का उत्सव क्यों मनाया जाता है। हमारे घर में भी दादा दादी मम्मी पापा होते हैं तो हमें बताते हैं ना कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो बच्चों आप अपने दादा दादी से और अपने मम्मी पापा से पूछना कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत और बुराई पर क्या है अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम रावण को पराजित कर अपने घर अयोध्या लौटे थे। आपको पता है ना कि भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था और असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, है ना। और 14 साल के बाद भगवान राम अपने घर आए थे और इन खुशी में अयोध्या वासियों ने क्या किया था, दीपावली का त्यौहार मनाया था। तो दादी जी ने ये कहानी बच्चों को सुनाई तो रेशमा और गोलू बहुत ध्यान से ये बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ कथा के छुड़ाने में मग्न हो गया। मग्न हो जाना यानी लीन हो जाना, उस काम में बहुत ध्यान देना। वो रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने देखा
कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई और बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण गिरी धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी गोलू को चलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। क्या हुआ कि सब ने दीपावली बहुत दीप अच्छी तरह से जलाए और बाद में क्या हुआ कि सब पूजा करके प्रसाद खाया और गोलू अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा था, पटाखे छुड़ाने में मग्न था। तो सभी बच्चे ऐसा करते हैं ना, अपने फ्रेंड्स के साथ पटाखे जलाने में मस्त हो जाते हैं, फुलझड़ियाँ छुड़ा रहे होते हैं। तो उसी तरह से दादा दादी के साथ कौन रेशमा बैठी थी और फुलझड़िया क्या कर रही थी, छुड़ा रही थी। तो उसमें गोलू तो अपने फ्रेंड के साथ व्यस्त था। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू जिस पटाखे के जो पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, पटाखे हम जो फोड़ने वाले होते हैं तो हमें लगता है वो बुझ गया है, मगर बाद में क्या होता है, वो जला होता है ना। उसी तरह से वो जला था अंदर से, तो उसमें चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा जोर से चिल्लाई, गोलू गोलू, जब हम चिल्लाते हैं ना कुछ होने वाला होता है तो उसी तरह से। और पटाखों के शोर से रेशमा की आवाज़ दब गई और बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा ने क्या किया, जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई और अपनी जो कुर्सी की गति के कारण गिरी धड़ाम देकर, बहुत ज़ोर से गिरी और बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू को चलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ नहीं आया कि उससे धक्का किसने दिया और क्यों दिया, क्या हुआ, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। और धमाके की आवाज़ सुनकर क्या हुआ कि मम्मी पापा माता पिता दादा दादी सब बाहर दौड़े चले आए। तो बच्चों आप सोचिए कि रेशमा ने धक्का क्यों दिया होगा और सब बाहर क्यों चले आए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज आपका होमवर्क है ये वीडियो फिर से एक बार देखना है। जो क्वेश्चन आंसर आपने अपने हिंदी की नोटबुक में लिखा है वो आपको लर्न करना है, क्योंकि आपके पास ये तो ऐसे भी रिवीजन है तो आपको क्या करना है, वो रिवीजन करोगे और क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे तो आपको एग्ज़ाम में इजी होगा। ओके, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो।